बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल दोस्तों। इस वीडियो में हम आप लोगों को बनाना बताएंगे पैंट का। ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन देख सकते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पैंट एंड ट्राउज़र में ये डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप लोगों को बहुत ही आसानी से बताएंगे ये डिज़ाइन आप लोग कैसे बना सकते हैं पैंट एंड ट्राउज़र में। इस तरीके से कुछ इसकी लुक आएगी साइड पर, इस तरीके से इसका डिज़ाइन दिखेगा जब हम पहनेंगे इसको। ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाना बहुत ही आसान है। पूरी पैंट हमने सिलाई कर ली है, देख सकते हैं ये साइड की सिलाई भी हमने लगा ली है। हमने मोरी फोल्ड नहीं करी है और ये फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई है, ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। अब हम बुकरम पे मार्क लगाएंगे, देख सकते हैं ये इसकी लेंथ है 8 इंच, इसकी विड्थ है 5 इंच। इसको हमने डबल में फोल्ड कर रखा है, एक बार देख सकते हैं आप लोग। एक बार हमने इसको फोल्ड कर लेना है, एक बार और फोल्ड कर लेना है इसको, फिर हमें इस पर मार्क लगा देना है। 1.5 इंच पर हमें मार्क लगाना है, 1.5 इंच पर हमने इस पर मार्क लगा लेना है, देख सकते हैं 1.5 इंच इसकी मार्किंग कर लेना है। 1.5 इंच पर हम मार्क लगा रहे हैं, इस निशान को 1.5 इंच वाले निशान को सीधा कर लेना है। इस बुकरम में से हमारे दो पैटर्न्स निकलेंगे, दोनों पैटर्न्स की मार्किंग एक साथ कर रहे हैं। एक पैटर्न एक पैचे में लगेगा, दूसरा पैटर्न पैंट के दूसरे पैचे में लगेगा। आधा इंच पर हमें ये मार्क लगाना है, आधा इंच पर हम ये मार्क लगा रहे हैं। 1/2 इंच इस निशान को भी सीधा करना है, इस निशान को सीधा कर लेते हैं। मार्कों पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोनों पैटर्न्स की कटिंग कर ली है, एक पैटर्न रेडी कर लिया है, दूसरा पैटर्न बनाकर दिखाते हैं। कपड़े पर पिंस लगाकर सेट कर लिया, देख सकते हैं 3 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरीके से पिंस लगाकर सेट कर लेना है, कपड़े को फोल्ड कर लेना है, पर सिलाई लगाना है, पिंस निकाल लेना है सिलाई लगाने से पहले। तो सीधी सिलाई लगाना है, सिलाई लगाते जाना है, पिंस निकालते जाना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, सिलाई लगाते टाइम पिंस बीच में नहीं आना चाहिए, पहले ही हमें पिंस निकाल लेना है। सिलाई लगाते जाना है, पिंस निकालते जाना है। पैटर्न पे सेंटर में मार्क लगाना है, सेंटर में कट लगा लेना है। ये पैंट की साइड की सिलाई है, देख सकते हैं। पैटर्न पे जो हमने मार्क लगाया था सेंटर का, साइड वाले सिलाई पर इसको रखना है हमें। ये हम सीधा पीस, पैंट का ये सीधा कपड़ा है, सीधे कपड़े पे हमें ये रख लेना है, इसको पिंस लगा के अटैच कर लेना है।
अच्छे से सेट करना है इसको, ताकि ये सिलाई लगाते टाइम आगे पीछे ना हो, सिलाई आसानी से लग जाएगी। बुकरम पे हमें सिलाई नहीं लगाना है, बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगा लेना है। कटिंग कर लेना है हाफ हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए। ये हमने कट लगा लेना है, सिलाई नहीं कटना चाहिए कट लगाते टाइम। पिंस निकाल लेना है, इसको इस तरीके से पलट देना है, सिलाई लगा देना है। डिजाइनिंग बनाने के लिए ये हमने लेना है पट्टियाँ, देख सकते हैं ये हम डबल कलर में डिजाइनिंग बनाएंगे दो कलर में। इसके लिए हमने ली है पट्टी की चौड़ाई है 2 इंच, देख सकते हैं इसकी भी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी भी चौड़ाई 2 इंच हमें लेना है। उसकी लेंथ आप जितनी भी चाहें ले सकते हैं। इसको बाद में हमें जब डिजाइनिंग बनाएंगे तो इस पट्टी को कट करते जाएंगे। अभी हमने ये लंबी सी पट्टी ले ली है, इसको हमें फोल्ड कर लेना है पट्टी को इस तरीके से, बेस पर सिलाई लगा देना है। एक बार आप लोगों को और समझा देते हैं, इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है, फिर इस साइड से एक बार फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड कर लेना है। जैसे हम कवर बनाते हैं फोल्ड करते हैं वैसे ही इसको फोल्ड करके सिलाई लगाना है। इस पर हमें सीधी सिलाई लगा देना है, ऐसे ही हमें सारी पट्टियाँ बनाकर रेडी कर लेनी है। बहुत सारी पट्टियाँ बनाना है हमें इसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए। ऐसे ही हमें इस पट्टी को भी बनाकर रेडी कर लेना है। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है, इस पर सिलाई लगा देना है। ऐसे ही हमें सारी पट्टियाँ बनाकर रेडी कर लेनी है। आप नवोदय को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और भी वीडियोस देख सकते हैं। ये हमने पेपर लिया है, इसकी लंबाई है 9 इंच, इसकी चौड़ाई है 4 इंच। इस तरीके से हमने सारी पट्टियों को बनाकर रेडी कर लिया है। इन पट्टियों को लगाना है इस तरीके से, मिलाकर हमें लगाना है इन पट्टियों को, इस तरीके से रखते जाना है, इन पर सिलाई लगाते जाना है। देख सकते हैं इन पट्टियों को इस तरीके से रख लेना है, मिलाते हुए इन पर सिलाई लगा देना है। अच्छे से इन पट्टियों को सेट कर लें, थोड़ा सा भी हमें गैप नहीं छोड़ना है, मिलाकर लगाना है इन पट्टियों को हमें।
जैसा कि हम लगा रहे हैं वैसे ही आप लोगों को भी लगाना है, सिलाई लगा देना है। इस साइड से भी हमें सिलाई लगा देना है। अच्छे से पट्टियों को सेट कर लें, फिर इन पर सिलाई लगा दें। एक पट्टी को हम निकाल लेते हैं, ये एक्स्ट्रा पट्टी लग गई है इसमें, इसको हम निकाल लेते हैं पैटर्न में से। ये हमने पट्टी निकाल ली है इस तरीके से। ये दूसरे कलर वाली पट्टी भी हमें इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से सारी पट्टियां हमें सेट कर लेना है और इन पर सिलाई लगा देना है। ये हमने पट्टियाँ अटैच कर ली हैं, देख सकते हैं हमने पट्टी अटैच कर ली है इस पर पैटर्न पर इस तरीके से। अब हमें इसको डिज़ाइनिंग बनाना है, अंदर की साइड डालते हुए एक पट्टी छोड़कर एक में से निकाल देना है। ये हमें ये बनाना बहुत ही आसान है, ये डिज़ाइन ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है डिज़ाइन। इस तरीके से हमें ये बनाना है। अच्छे से ये प्रोसेस देख लें, समझ लें, समझ में आ जाएगा आसानी से। बहुत अच्छे से इजी समझाया है हमने। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक बार और समझा देते हैं, इस तरीके से हमें ये डिज़ाइन बनाना है। सिंपल एंड इजी है डिज़ाइन ये बनाना, आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करें। ऐसे ही हमने पूरा ही पैटर्न बनाकर रेडी कर लेना है। अब हमें इस पर अच्छे से सेट कर लेना है इसको, फिर हमें इस पर सिलाई लगाते जाना है। अच्छे से सेट करते जाएं, सिलाई लगाते जाएं।
ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इनको कट कर लेना है मार्जिन को। हाफ ऑफ इंच पर हमें ये मार्क लगा देना है। हाफ इंच का मार्क हमें इधर भी लगा देना है। इस तरीके से पैंट रखते हुए जो हमने सेट कर लेना है। इस तरीके से इस पे हमें सिलाई लगा देना है। इसका सिलाई लगा दी है। उस तरीके से हमें ये 2 इंच चौड़ी पट्टी लेना है। इस तरीके से सीधे कपड़े पर रखते हुए हमें ये सिलाई लगा देना है। ये हमने सीधी सिलाई लगाना है। ये हम सीधी साइड सिलाई लगा रहे हैं। उल्टी तरफ इस पट्टी को हमें टर्न कर देना है, पलट देना है। ये हम कट कर लेते हैं। देख सकते हैं इसकी चौड़ाई 2 इंच है। इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर लेना है। इसको रॉन्ग साइड पर टर्न कर देना है, बाहर की साइड उल्टी तरफ पलट लेना है। ये हमने इसको उल्टी साइड पलट लिया, इस पर सिलाई लगा देना है। ये हम उल्टी साइड सिलाई लगा रहे हैं। इसकी हमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगाना है। ये जो हमने पैटर्न में पेपर लगाया है इसको निकाल देते हैं। ये निकाल दिया, देख सकते हैं पेपर, देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है डिज़ाइन। इसकी हमें साइड की सिलाई लगाना है। इसको उल्टा कर लेना है, पलट लेना है। इसको हमने उल्टा कर दिया, इसकी फिटिंग की सिलाई लगाना है। दोनों पैचों की सिलाई लगा देना है। सिलाई लगा कर दिखा देते हैं आप लोगों को फाइनल लुक इसका। देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, पैंट हमारी बनकर रेडी है। ये डिज़ाइन आप पैंट एंड ट्राउज़र पर बना सकते हैं।
कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इसे ट्राई ज़रूर करें।